स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं सागर मनोडी प्रोडक्शन। तो आज मैं फिर से हरिद्वार आ चुका हूँ, तो आज मैं यहाँ के बारे में आपको बताऊँगा और थोड़ा बहुत यहाँ आपको दर्शन कराऊँगा। तो आज इसी वीडियो में हमारे साथ हैं हमारे छोटे भाई अशोक जोशी जी, जो कि एक युवा कवि हैं और बहुत ही अच्छी इनकी रचनाएँ होती हैं। तो चलिए बात करते हैं जोशी जी से। सर्वप्रथम सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं अशोक जोशी आपके साथ इस वक्त जुड़ा हुआ हूँ देवभूमि हरिद्वार से। और हरिद्वार गंगा द्वार, उत्तराखंड का प्रवेश द्वार, या यूँ कहें कि जो चारों धामों का प्रवेश द्वार, उत्तराखंड में चार धाम है, तो चार धामों का प्रवेश द्वार, गंगा द्वार, कपिला द्वार, स्वर्ग द्वार जैसे तमाम नामों से देवभूमि हरिद्वार को, गंगा द्वार हरिद्वार को जाना जाता है। यदि हरिद्वार की बात किया जाए तो तमाम धार्मिक स्थल, पर्यटक स्थल जहाँ सैलानियों का, पर्यटकों का वर्ष भर एक तांता लगा हुआ रहता है, एक विशेष जो उनकी इस नगर के प्रति, इस धार्मिक स्थल के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति है, एक आस्था का केंद्र हरिद्वार। हर की पैड़ी, माँ मनसा देवी मंदिर, माँ चंडी देवी का मंदिर, कुशावर्त घाट, दक्ष प्रजापति मंदिर जैसे तमाम धार्मिक स्थल हरिद्वार में स्थित है। यदि मैं हर की पैड़ी की बात करूं तो बड़ा माना जाता है कि उज्जैन के एक राजा थे विक्रमादित्य, और राजा विक्रमादित्य ने अपने बड़े भाई जिनका नाम था भर्तृहरि, तो भर्तृहरि की याद में हर की पैड़ी का निर्माण किया था। और शुरुआत में इस स्थल को भृतिहरि की पैड़ी भी कहा जाता था, लेकिन कालांतर में जैसे जैसे समय बढ़ा, आज इस स्थल को जो है हर की पैड़ी के नाम से जाना जाता है। ऐसे तमाम स्थल हरिद्वार में है, ऐसे तमाम यात्री, विदेशी यात्री हरिद्वार आए। यदि मैं बात करूं, हरिद्वार आने वाले पहले यूरोपीय टॉम कैरियर थे जिन्होंने हरिद्वार को भगवान शिव की राजधानी के रूप में देखा और भगवान को, हरिद्वार को भगवान शिव की राजधानी कहा।